लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फोबिया क्या है, दुर्भीति क्या है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्भीति के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एंड मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कम्प्लीट वीडियोज चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोज के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दुर्भीति मुख्य रूप से तीन प्रकार के बताई गई है, विशिष्ट दुर्भीति, एगोरा दुर्भीति, सामाजिक दुर्भीति यानी स्पेसिफिक फोबिया, एगोरा फोबिया और सोशल फोबिया। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में से एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि मे बी आना ही है। अब वो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए वेरी शॉर्ट में आया, तो वेरी शॉर्ट में आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि विशिष्ट दुर्भीति क्या है, या अगर शॉर्ट में आया तो शॉर्ट में तो ये भी पूछ सकते हैं कि दुर्भीति के प्रकार बताइए। अगर लॉन्ग में पूछेंगे तो लॉन्ग में पूछेंगे कि दुर्भीति क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी हैतुकी या इसकी इटियोलॉजी बताइए। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम विशिष्ट दुर्भीति की, विशिष्ट दुर्भीति या स्पेसिफिक फोबिया। बात किसकी जा रही है, स्पेसिफिक या विशिष्ट, यानी यहाँ पर जो फोबिया है, जो दुर्भीति है, वो किसी विशिष्ट चीज से होता है, किसी विशिष्ट वस्तु से या परिस्थिति से या किसी जानवर से। जब इस तरीके से व्यक्ति में फोबिया उत्पन्न होता है तो हम उसे विशिष्ट फोबिया का नाम देते हैं। जैसे देखें यहाँ पर, तो आपने लास्ट वीडियो में भी जो एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में क्या था, बिल्ली से डर की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बिल्ली से रिलेटेड फोबिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलरूफोबिया या गेटोफोबिया। इसी तरीके से जैसे जानवर से हो गया, एनिमल से है तो उसको हम कहेंगे जू फोबिया, हवा से रिलेटेड फोबिया है तो एरोफोबिया। फोबिया तो आप समझ चुके हैं ना, लास्ट वीडियो में हमने फोबिया को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। नहीं देखा है अगर आपने तो आप नीचे जाइए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्पेसिफिक फोबिया क्लियर हो गया। विशिष्ट दुर्भीति में जो डर होता है वो किसी विशिष्ट वस्तु से होता है या किसी परिस्थिति से या फिर किसी जानवर से हो सकता है। यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य फोबिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक मिसिंग है, काफी इंपॉर्टेंट फोबिया है, जो कि है आपका कुत्ते से रिलेटेड, कुत्ते से रिलेटेड फोबिया, जिसे हम कहते हैं साइनोफोबिया। क्या कहेंगे, साइनोफोबिया, कुत्ते से रिलेटेड फोबिया को हम कहते हैं। अब जैसे देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रक्त से हेमेटोफोबिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब पर्सन मान लीजिए उसको रक्त,
उसको ब्लड दिखा जाता है, तो ब्लड देखते ही वो इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो मतलब उसका डर एक पर एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है कि लग रहा है कि उसी का हाथ काट लिया गया है, इतना ज़्यादा डर, या उसी का हाथ काटने आ रहे हैं या पैर काटने आ रहे हैं, मतलब इस टाइप का डर उसके अंदर देखा जा रहा है। किसमें? अगर उसके अंदर ब्लड से रिलेटेड फोबिया है तो ब्लड को देखते ही वो उसके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस दिखने लगते हैं। फिर जो आपका एगोराफोबिया है, एगोराफोबिया स्पेशली जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से व्यक्तियों को डर लगता है। कैसे व्यक्तियों को? जिनके अंदर एगोराफोबिया होता है, तो अगर किसी पर्सन में एगोराफोबिया है तो वो पर्सन भीड़ भाड़ या बाजार वाली जगहों पर, मार्केट प्लेस पर जाना वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से अवॉइड करता है, वहाँ पर जाना पसंद ही नहीं करता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके आसपास में कोई पर्सन ऐसा है जो भीड़ भाड़ में एकदम जाना ही नहीं पसंद करता है, मार्केट प्लेस में वो उसको एकदम डर लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, अगर कोई घटना घट गई तो, मान लो कोई बम फट गया, मान लो कोई छत मेरे ऊपर गिर गई या किसी गाड़ी ने मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो क्या होगा, तो मतलब ये बहुत से विचार, ऐसे फालतू के विचार, अतार्किक विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं और जिसकी वजह से वो डरता रहता है। और इवन ये डर इतना अधिक हो जाता है कि अगर उसके घर में कुछ सामान खत्म है तो वो मार्केट नहीं जा सकता है लेने, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ये इस लेवल का डर होता है। अब इसके केंद्र बिंदु की बात की जाए, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सार्वजनिक या आम स्थान होता है जहाँ पर लोगों का भीड़ जुटा होता है, तो ऐसे प्लेस से अगर किसी पर्सन में डर उत्पन्न होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर क्या है, एगोराफोबिया के सिम्टम्स हैं। और एक जो रिसर्च हुआ उसमें ये भी पता चला है कि जो साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास जो फोबिया के पेशेंट जाते हैं, मतलब जिनको फोबिया है जिनके अंदर और वो जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने, तो जो रिसर्च से ये पता चलता है कि जितने भी फोबिया के पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसमें 60% जो पेशेंट रहते हैं वो एगोराफोबिया के ही रहते हैं। मतलब ऐसे पर्सन जिनको भीड़ भाड़ या पब्लिक प्लेस पर जाना एकदम पसंद नहीं होता, मार्केट में जाना एकदम पसंद नहीं होता, और ऐसा नहीं है कई बार तो उन्हें पसंद होता है बट उनको डर लगता है, पसंद की बात नहीं है, पसंद तो होता है लेकिन उनको इतना ज़्यादा डर लगता है कि डर की वजह से वो वहाँ नहीं जाते हैं। और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखी जाती है, और इसकी जो शुरुआत है वो किशोरावस्था या कह सकते हैं कि अर्ली एडल्टहुड, आरंभिक वयस्कावस्था से ही उत्पन्न हो जाती है, मतलब दिखने लगता है ये चीज़। अच्छा, अगर ऐसे पर्सन पहुंच जाते हैं, मतलब मान लीजिए आप उनको ज़बरदस्ती पब्लिक प्लेस पर लेके चले गए क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि उनका जो प्रॉब्लम है वो कितना खतरनाक है, तो आप हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे पर्सन आपके पास पास हो तो आप ज़बरदस्ती उनको लेके चले जाते हैं। अगर उनको ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, उनमें स्ट्रेस दिखाई देगा, उन्हें घुमड़ी डिजीनेस जिसे कहते हैं कि सर चकराना, ऐसा लगना कि सब कुछ घूम रहा है, ये सारी चीज़ें, या वो कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करने लगेंगे वो, या घर आकर वो ये भी देखेंगे कि उनका जो बिस्तर है वो सही से बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ है, कमरा सही से बंद है, दरवाज़ा सही से बंद है कि नहीं बंद है, कहीं कोई घुस तो नहीं आया है, मतलब ये सारी चीज़ें एगोराफोबिया में देखी जाती हैं। और ये इतना सीवियर है कि जो DSM-4 है, DSM-4 ने एगोराफोबिया को वास्तविक दुर्भीति का एक प्रकार नहीं माना है, मतलब दुर्भीति का एक प्रकार ना मान के उन्होंने इसको पैनिक अटैक का एक सब टाइप माना है, मतलब उन्होंने पैनिक अटैक का टाइप मान दिया है इसको। अब पैनिक अटैक क्या है, तो पैनिक अटैक को अभी फोबिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जब फोबिया का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम पैनिक अटैक को देखेंगे। दोनों क्लियर हो गया? एगोराफोबिया जहां पर पर्सन को पब्लिक प्लेस से डर लगता है,
भीड़ भाड़ वाला इलाके में वो जाना नहीं पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ मार्केट जाना नहीं पसंद करते हैं। अगर वो ज़बरदस्ती वहाँ पर जाते भी हैं तो उनमें तनाव, घुमड़ी मतलब डिजीनेस, ये सारी चीज़ें, या घर पर आएंगे तो उनके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर देखा जाएगा। वो बार बार अपना बिहेवियर, बार बार अपना बेड चेक करेंगे, अपना रूम सही से देखेंगे बंद है कि नहीं बंद है, अपने बिस्तर को या अपने कमरे में चारों तरफ झांक के देखेंगे कि कहीं कोई घुसा तो नहीं है। तो ऐसे बिहेवियर वो करते देखे जाते हैं। सामाजिक दुर्भीति, सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया क्या है? ऐसे पर्सन किससे घबराते हैं? दूसरे व्यक्तियों को फेस करने से घबराते हैं, मतलब दूसरे व्यक्तियों के सामने आने से उन्हें डर लगता है, वो दूसरे व्यक्तियों के सामने आना नहीं चाहते। मतलब ऐसा नहीं कि उनको पार्टीज नहीं पसंद है, पार्टी में जाना पसंद है उनको, वो एगोराफोबिया वाला सिम्टम्स नहीं है कि उनको भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत हो। जिनके अंदर सामाजिक दुर्भीति होती है उनको भीड़ भाड़ से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है। उनको जो मेन प्रॉब्लम होता है वो इस वजह से होता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर उनको ये लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, मतलब बाहर के लोग उसको जज करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे। और ऐसी चीज़ें सोचकर, मतलब चाहे वो बाहर जाए तो कोई उसकी तरफ देखे ही ना, ये भी हो सकता है, लेकिन वो मन ही मन क्या सोचता रहता है कि नहीं, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरी कमियां निकालेंगे, मेरे साथ हो सकता है कि दुर्व्यवहार करें, ऐसा करें वैसा करें। और इवन वो लोग, ऐसे पर्सन जिनके अंदर सामाजिक दुर्भीति होती है, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ खाना खाना भी नहीं पसंद करते हैं। मतलब उनको लगता है कि अभी मैं, मेरे खाने का स्टाइल कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग सोचे कि अरे ये तो देखो कितना जाहिल है, इसको तो खाना खाना भी नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है सोशल फोबिया में? इसमें सामाजिक दुर्भीति वैसे दुर्भीति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सामना करना पड़ता है, और व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में यह डर बना रहता है कि उसका मूल्यांकन लोग करेंगे, मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे, और इसी वजह से वो ऐसी परिस्थितियों से या ऐसी पार्टीज से, ऐसी जगहों से वो दूर रहना पसंद करता है, दूर रहना चाहता है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हमने देखा कि फोबिया कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने उन प्रकारों को भी डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि फोबिया की इटियोलॉजी क्या है, दुर्भीति के कारण क्या होते हैं, उसकी हेतु की क्या है।